नहीं पाजी, करवाना ही नहीं है सर। उन्होंने 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए हैं एंड दैट्स नॉट रिफंडेबल। लाख रुपए? यस सर। प्री वेडिंग शूट का? शी गेव 30% एडवांस, बाकी उन्होंने कहा आप फाइनल एडिट के बाद दोगे। मैं? हेलो हेलो सर, हेलो हेलो नहीं हेल हेल, सॉरी मैं बाद में बात करता हूँ। इतना मैंने कब किसके साथ पूरा किया है जो आप ये सारी सजा मुझे एक लड़की की फॉर्म में दे रहे हो? हाँ यार, जब भी कुछ अच्छा देख रही होती हूँ ये कॉल कर देता है। हाँ जी बोलो। 1 लाख रुपए प्री वेडिंग के लिए? नहीं यार, 1 लाख थोड़ी ना, इट्स 3.5 लाख ट्रैवलिंग इंक्लूडेड। एक बात पूछूं? हाँ हाँ। बचपन में तुझे किसी कुत्ते ने काट लिया था क्या, या तूने किसी कुत्ते को काट लिया था? और क्यों? नहीं, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, वरना जिस बजट में ऑलमोस्ट पूरी वेडिंग हो जाती है तुम उस बजट में प्री वेडिंग बुक करा रही हो। 3.5 लाख में बॉम्बे में शादी होती होगी, पंजाब में इतने की दारू लग जाती है, वो भी लेडी संगीत में। अच्छा अच्छा, तो उसी दारू के नशे में तुमने इस स्टुपिडिटी के लिए 1 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए। अरे इट्स सो कूल, इमेजिन मैं लंदन ब्रिज पर भागते भागते तुम्हारी तरफ भागूं और मैं साइड में हट जाऊं और तुम डूब के मर जाओ। यार तुम शादी से पहले खुद को विधवा करने की बातें कैसे कर सकते हो? यू नो प्री वेडिंग सो इन। तो मैं क्या करूं इस इन का? करोना इज आल्सो इन, तो क्या करूं? जगह जगह हाथ 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 लगा अपने नाक में घुसे लू क्या? यार कुछ भी रैंडम ना बोलो, इट्स अ लाइफ टाइम मोमेंट यार, मेमोरी बनाते हैं। अरे मेमोरी बनानी क्यों है यार, लंदन ब्रिज की जगह किसी भी लुधियाना के फ्लाईओवर पे कर लेते हैं ये बेवकूफियां। दिस इज नॉट अ बेवकूफी डूड, सारे गेस्ट देख के ओ करेंगे, ओ के आगे ओ फुल कह रहे होंगे। अच्छा इसे देख यार, टाइम और पैसा कभी दोनों वापस नहीं आता है, सो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट देम ऑन दिस शिट कॉल्ड प्री वेडिंग शूट्स। स्टॉप कॉलिंग इट शिट। एक लड़की की लाइफ में प्री वेडिंग का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? हाँ बेवकूफी। नो इट्स नॉट, श्वेता एंड आनंद आर प्लानिंग टू गो टू ग्रीस। तुझे पता है उसकी साइकिल में बचपन में जब ग्रीस खत्म हो जाता था ना तो मेरी चुरा के जाता था वो साइकिल, वो ग्रीस जाएगा। बात कर, एंड वैसे भी यार वी आर नॉट, वी आर नॉट फिल्म स्टार्स जो इस टंटे करे, ठीक है? फील तो ले ही सकते हैं ना, मुझे इतने लोगों ने हाइट के कारण दीपिका पादुकोण कहा हुआ है। पादु? अच्छा छोड़। अच्छा लिसन यार, फॉरगेट एवरीथिंग। देखो ए तो आई हेट दिस कॉन्सेप्ट, एंड बी इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। आई मीन इंग्लैंड जाना एक हफ्ते के लिए इसके मम्मी। अरे एक हफ्ते का नहीं है, आई मीन 3 वीक काइंड ऑफ थिंग, शॉपिंग भी कर लेंगे। देख मुझे नहीं पता तुझे घर वालों ने खुला क्यों छोड़ा हुआ है, बट लेट मी बी वेरी क्लियर, प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ वेडिंग हो रही है। डूड आई हैव गिवन हिम 1 लाख रुपीस। तो किसने बोला था अपने जेब से पैसे देने के लिए? अरे मेरी जेब से नहीं दिए, तुम्हारे ही पैसे थे जो आंटी ने मतलब मम्मा ने लहंगे के लिए दिए थे। तो अब लहंगा कहाँ से आएगा? तुम्हें किस लिए रखा हुआ है? मैं अपना, क्या हुआ? मैं आया। पर जा कहाँ रहे हो? मैं आया। अरे कहाँ से? मैं थोड़ा सुसाइड करने। बताओ सुसाइड वाली कोई बात है? प्री वेडिंग इज सो क्यूट, आप बताओ। कमेंट #TJ तू बेस्ट है या #Ankit वी आर विद यू। यू नो मुझे लगता है ही इज वेरी पोजेसिव अबाउट मी, चाहता नहीं कि प्री वेडिंग शूट हो और वीडियो वायरल हो जाए और मैं धर्मा की नेक्स्ट हीरोइन बन जाऊं और सारे हीरोज मेरे पे लट्टू हो जाएं। सही है, आप सब्सक्राइब करो एंड बेल दबाओ और मैं जा रही हूँ कॉस्ट्यूम्स चूज करने, एंड लाइक के लिए थैंक यू।